तो मार्वल की एक न्यू सीरीज आ गई है जिसका नाम है मिस मार्वल। और ये छोटी बच्ची है कमाला खान, पाकिस्तान से बिलोंग करती है पर यहाँ न्यू जर्सी में ये लोग रह रहे हैं। काफी टाइम से इनकी फैमिली यहीं पे सेटल हो चुकी है। तो ये है बिल्कुल मार्वल के कॉमिक्स है इंस्पायर बिल्कुल। और उनकी कई क्रिएटिव वीडियो बना बना के उनके बारे में स्टोरी डाल डाल के यूट्यूब पर सबको जागरूक कर रही है कि भैया ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें इंटरेस्ट लो, बहुत मजेदार चीजें हैं ये कहानियां देखो एक सुनो। पर मैंने देखा जब वो अपलोड कर रही है वीडियो तो उसकी वीडियो पर व्यू बिल्कुल उतना ही है जितने मेरी वीडियो पर होते हैं, 3-4 व्यू बस क्या। और स्टार्टिंग में जब ये आप देखोगे ना एपिसोड तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कोई इंडिया का या पाकिस्तान का कोई ड्रामा कॉमेडी शो आप देख रहे हो जिसमें थोड़ा सा कॉमिक टच है, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एपिसोड आपको ये फील होगा कि नहीं ये अलग है, ये वाकई ही MCU का ही शो है। क्योंकि इसमें ग्राफिकल जो इसमें चेंजेस किए गए हैं ना, ग्राफिकल तौर पे इसके हर एक सीन को जिस तरह से प्रेजेंट किया है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है इस एपिसोड को देखने में, इस शो को देखने में, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस ग्राफिकल इफेक्ट की वजह से। कमाला खान हर बार अपने इमेजिनेशन वाली दुनिया में चली जाती है और उसकी इमेजिनेशन को जिस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं ना वो कॉमिक, वो कार्टून के जरिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अपने दोस्त से बातें करती हुई रोड पे चली जा रही है, पीछे बिल्डिंग पे सभी कार्टून जो वो लोग बोल रहे हैं वही सभी कार्टून, वही सारे करेक्टर दीवार पर उनके साथ साथ वॉक करते हुए एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैसेज कर रहे हैं तो वो रोड पर, बिल्डिंगों पर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है इस शो को देखने में, इस एपिसोड को देखने में। कमाला खान थोड़े खुले विचारों की है, वो चाहती है कि उसको थोड़ा फ्रीडम मिले पर वो फ्रीडम मिल नहीं सकती। तो फैमिली की कई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लड़की को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, इतनी बजे तक बाहर रहना चाहिए, इतनी बजे तक नहीं बाहर रहना चाहिए, कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं एज ए पेरेंट्स। तो वही उसके पेरेंट्स कर रहे हैं बट वो चाहती है थोड़ा फ्रीडम और वो उसको मिल नहीं पा रही है, तो इसीलिए वो थोड़े से रूल ब्रेक करती है। स्टोरी छिपके जाती है मार्वल कौन जो उसका फेवरेट एक इवेंट है उसको वो अटेंड करना चाहती है और वो अटेंड करती भी है पर उसमें होती है थोड़ी गड़बड़। वो गड़बड़ क्या है वो आपको एपिसोड देख कर ही पता लगेगा। इसमें उसकी शक्तियों के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखाया गया पर जितना दिखाया गया वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। तो अगर आप बच्चे हो ना तो आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि एज के हिसाब से, ऐसा नहीं कि अगर आप 40 साल के हो तो आपको ये एपिसोड अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा क्योंकि इतना ही बचकाना नहीं है ये। तो देखते हैं ये अगले आने वाले एपिसोड में क्या कमाल कर पाता है शो। पर वैसे तो ठीक ठाक है, इंटरेस्टिंग है, टाइम पास अच्छा हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देखिए। बाकी अगर आपने देख लिया तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। और डिज्नी पर MCU के जितने भी शो हैं उनमें से कौन सा आपका फेवरेट है आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाए।